नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ समय से प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कुछ कदम भी उठाए हैं। वाहनों के लिए ऑड इवन की व्यवस्था सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले साल दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध भी काफी चर्चाओं में रहा था। इस साल भी उसी क्रम को जारी रखते हुए आप सरकार ने घोषणा करते हुए पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसमें पटाखों को ना तो बनाया जाए न स्टोर किया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। इसकी घोषणा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी सभी तरह के पटाखों पर बैन रहेगा। आपको बता दें कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर पुलिस को भी निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। राय ने सोमवार को एक बयान में कहा था कि ठंड में राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय आयोग ने जितने कदम बताए हैं, सरकार उससे कई ज्यादा सावधानी रखेगी। राय ने इससे जुड़े 30 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि सभी विभागों को काम सौंपे गए हैं, साथ ही वायु प्रदूषण को कम करने की योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल भी पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने पटाखों पर बैन लगा दिया था। उसमें 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर बैन के आदेश दिए गए थे। इसमें रोक लगाने की वजह कोरोना और प्रदूषण बताई गई थी। दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में प्रदूषण चौथी सबसे बड़ी वजह है। 2019 में प्रदूषण की वजह से 66.7 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2018 में प्रदूषण मौत की पांचवी सबसे बड़ी वजह था। वायु प्रदूषण की वजह से मिडिल इनकम देशों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसके अलावा पटाखों में अलग अलग रंग की रोशनी के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ज्यादातर केमिकल पर्यावरण के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार का ये कदम किस हद तक कारगर होगा? कॉमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।